किसान भाइयों, राम राम और सत श्री अकाल भाई सभी को। तो मैं अक्षय जाखड़ और आप देख रहे हैं पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो भाइयों, आज अपने रिव्यू करने वाले हैं फार्म ट्रैक पावर मैक्स सीरीज में जो नया मेंबर ऐड हुआ है, फार्म ट्रैक 45 EPI। तो इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो मैं रिव्यू करने के लिए पहुंचा हूं भाई गोदारा कृषि उद्योग के नाम से, सूरतगढ़ में फार्म ट्रैक की एजेंसी है। तो एक बार ज़रूर विजिट करें नया ट्रैक्टर लेने से पहले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाइयों, ये देखिए इसकी फ्रंट साइड है। इसमें कुछ नया जो चेंज हुआ है वो अभी इस कंपनी में ने फार्म ट्रैक 45 EPI में बम्पर है जो कंपनी फिटेड वो देना स्टार्ट कर दिया है, जो कि काफ़ी मजबूत है। लगभग 90 kg के करीब करीब इसका जो वेट है वो दिया गया है। और साथ में देखिए आपको जो फ्रंट साइड में भी हुक है वो मिलेगा, ताकि आप टो करके या जो कोई चीज़ अगर ले जाना चाहे तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं। और फ्रंट में पावर मैक्स की बेजिंग है वो हमें देखने को मिलेगी फार्म ट्रैक 45 के साथ में। और ये भाई पावर मैक्स सीरीज का ट्रैक्टर है, तो काफ़ी बड़ी हेलोजन लैंप है इस ट्रैक्टर में दी गई है 8 LED लाइट्स के साथ में। और वहीं फ्रंट एक्सल की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है वो दिया गया है भाई, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। फ्रंट के टायर की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि 7/50/16 के फ्रंट के टायर है वो हमें देखने को मिलेंगे भाई। और देखिए डुअल एक्टिव पावर स्टीयरिंग है जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है, यानी कि इस जो पावर स्टीयरिंग की उम्र है वो सबसे ज़्यादा रहती है भाई। और इसका सिंगल पीस बोनट है वो दिया गया है। इंजन की बात करें तो इसके अंदर 3440 CC का इंजन दिया गया है, जो कि 50 HP का इंजन है। 111.8 का बोर दिया गया है और 116.8 का इसका स्ट्रोक है वो हमें देखने को मिलेगा 1850 इंजनरेटेड RPM पे। बाकी भाई इसके अंदर भी आपको ऑयल बाथ प्री एयर क्लीनर है वो दिया गया है और सिंगल पीस बोनट के साथ में। फ्यूल टैंक की बात करें तो 60 लीटर का फ्यूल टैंक है जो इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। और साइड में इसका साइलेंसर है वो दे रखा है भाई। और देखिए फिल्टर है वो भी मिलेगा इसमें अलग से, जो डबल फिल्टर है वो दिए गए हैं। और टेंडम पंप है वो दिया गया, एक तो है पावर स्टीयरिंग के लिए और दूसरा है लिफ्ट के लिए। तो ये खास बात है भाई, तो इससे लाइफ है जो लिफ्ट की भी ज़्यादा रहेगी और पावर स्टीयरिंग की भी है जो लिफ्ट है वो ज़्यादा रहेगी। और देखिए ऊंचाई है जो इसकी वो काफ़ी देर की है, ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं इसे, तो सिंगल फुट स्टेप है वो दिया गया आसानी से ट्रैक्टर पे चढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ से आप आसानी से ट्रैक्टर पे चढ़ सकते हैं। और केयर बटन है वो भी हमें इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा 24x7, यानी कि आप 24 घंटे 7 दिन कभी भी कॉल है जो कर सकते हैं। इजी स्टेयरिंग व्हील है वो हमें इस ट्रैक्टर में दिया गया है भाई। और देखिए डिजिटल मीटर मिलेगा विद क्लासिक इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में। और ये टोटल स्विच है जो यहाँ दिए गए हैं। खुला प्लेटफॉर्म मिलेगा काफ़ी, और पुश पेडल के साथ में ऑयल इम्प्रेस्ड ब्रेक दिए गए हैं। इजी एक्सीलेटर है, ये देखिए भाई कितना इजी है, आप आसानी से इसको पुश है जो कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि डुअल क्लच है वो दे रखी है, डुअल क्लच मिलेगी 8 फॉरवर्ड के और 2 रिवर्स के गियर हैं वो दिए गए हैं कॉन्स्टेंट में से गियर बॉक्स के साथ में। तो काफ़ी खुला प्लेटफॉर्म है जो हमें इस ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। और कर्व ही डिज़ाइन है जो इसका फेंडर है वो दिया गया भाई, तो गोलाई है जो इसमें हमें देखने को मिलेगी, ये देखिए फेंडर है जो, तो थोड़े से गोल दिए गए हैं यानी कि कर्व है वो दिया गया है। 50 HP की बेजिंग है वो भी हमें इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी। बाकी भाई ड्राइवर सीट है वो एडजस्टेबल देगी, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी आरामदायक ड्राइवर सीट है वो इस ट्रैक्टर में दी गई है। और ये PTO के लिए गियर है वो दिया गया है भाई 540 RPM के साथ में। मल्टी स्पीड रिवर्स PTO जो इस ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। 14/28 के पिछले टायर हैं वो दे रखे हैं भाई, 5 साल की वारंटी। ये देखिए पॉलिसी के तहत LED इंडिकेटर है जो हमें इस ट्रैक्टर में देखने को मिलते हैं। EPI हिस्सा है जो इसका पिछला वो दिया गया है भाइयों, डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में। देखिए काफ़ी स्टाइलिश है जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर है वो दिए गए हैं। और एक निर्धारित जगह जो फार्म ट्रैक की लगभग यहीं पे है जो अपने को डिस्ट्रीब्यूटर है वो देखने को मिलते हैं। और हुक है वो भी एडजस्टेबल दिया गया, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट है जो कर सकते हैं। और 3 पॉइंट की लिंकेज है ADDC टाइप की, यानी कि ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाली, इसमें भी है जो लिफ्ट है वो मिलेगी आपको।
और काफ़ी शानदार इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1800 केजी की दे रखी है भाइयों। तो काफ़ी शानदार लिफ्ट कैपेसिटी है जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। और मज़बूत टूल बॉक्स, हैवी ड्यूटी बोलते हैं इसे, लोहे का टूल बॉक्स है जो हमें दिया गया है इसमें ट्रैक्टर में। बाकी भाई ये देखिए गोल जो लैंप है वो पुराने वाले जो क्लासिकल टाइप की आती थी उसी प्रकार की है जो बरकरार रख रही है कंपनी। बाकी फेंडर काफ़ी स्टाइलिश लग रही है अभी इसके, और F17 मॉडल है ये ट्रैक्टर है जो। तो इधर वाली साइड में देखिए पार्किंग ब्रेक मिलेगा आपको, और बिल्कुल ड्राइवर सीट के पास में पोजीशन एंड ड्राफ्ट कंट्रोल की जो लीवर है वो दी गई है। तो भाइयों काफ़ी शानदार है, मतलब कि क्या है कि ड्राइवर सीट के बिल्कुल पास में दे रखी है तो आप आसानी से जो इनका यूज़ है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर 43 HP का PTO है वो हमें देखने को मिलेगा 540 RPM के साथ में। तो देखिए भाई इधर वाली साइड में एक्सीलेटर यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा फेंडर से थोड़ा दूर किया गया है तो आप बड़ी आसानी से इसका यूज़ है वो कर सकते हैं। बाकी वो बैटरी बॉक्स को दो जगह लगा सकते हैं आप, तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ भी आप है जो लगवा सकते हैं बैटरी बॉक्स को। बाकी वही इसमें नीचे दिया गया है, और इसमें भी ग्राफिक्स है उसका यूज़ किया गया है, तो इससे क्या है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव है जो डिज़ाइन है वो हमें देखने को मिलता है ट्रैक्टर में। बाकी वाटर सेपरेटर बोस कंपनी का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है ये, तो इनलाइन पंप दिया गया है। बाकी भाई पावर स्टीयरिंग है जो डुअल हमें इस ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। तो भाई वो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। तो लव यू ऑल, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भाई।